जो आज का काम मेरा आप देखे, आज मौसम साफ है, धूप है, तो मैंने धूप का फायदा उठा लेती हूँ। गेहूँ धो दिए फटाफट, और गेहूँ के साथ मैंने क्या क्या धो रखे हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और देखिए, ये मैंने चने धो दिए हैं, ये चने मेरी दीदी के हैं। दीदी से मैंने कहा मैं धो के मैं ही पीस दूँगी, और दीदी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो वो इसी का आटा खाती है। मेरी बड़ी दीदी सरस्वती बिहार में रहती है, बसंती दीदी। और इधर मैंने अपने चावल धो रखे मित्रों। अब मेरे व्रत पूरे होने वाले हैं, 17 तारीख को व्रत टूट जाएंगे, उसके बाद फिर ये है चावल। चावल मैंने धो दिया, हम लोग चावल के चीले भी बनाएंगे। चने का मैं आटा बना के अभी 2-3 धूप में सुखा दूंगी चने, फिर मैं अपने घर में चक्की में पीस के दीदी को दे दूंगी ये इसका बेसन। और इधर चावल के भी हम लोग फिर चीले बनाएंगे मित्रों। अभी आजकल मेरे व्रत की वजह से कुछ ये सब बन नहीं रहा है, फिर मेरे व्रत टूटेंगे तो उसके बाद ये चावल अभी पीस के रख देंगे। किसी भी उसमें चावल आपका काम आ जाता है, जैसे चीले बनाओ, कभी हलवा भी इसका बनता है। पहाड़ों में सैया गुड़ी, मेरी मम्मी बहुत अच्छा सैया बनाती है, सैया भी आप इसका बना सकते हैं। चावल 2 किस्म के चावल मैंने धो रखे हैं। आप देखिए, ये जो होते हैं ये कणी के बोलते हैं, खंडा इनका छोटे, वो छान के उसमें से मैंने छलनी में से छान के मोटे मोटे वाले वो धो रखे हैं। जो इनके पतले से निकले थे वो हैं, 2 किस्म के धो रखे हैं। इनको हम ज़्यादा महीन से पीसना चाहेंगे तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन उसे मैं चक्की में ही पीसूँगी। तो मित्रों, मैं कोई भी मिनट खाली नहीं रखती हूँ, हर मौसम का भी मैं फ़ायदा उठाती हूँ। आज धूप थी तो मैंने फटाफट ये काम कर लिया, गेहूँ भी मैंने धो लिया, दिखा लिया। अब थोड़ा सा दिखाऊंगी अपनी बागवानी, कितना पौधे मेरे बढ़ गए। तो मित्रों, अब मेरा पान का पेड़ मैंने जड़ से ही काट दिया था पहले, क्योंकि इसके पत्ते सारे वो हो गए थे, कीड़े ने खा दिए थे, और बहुत अच्छा हो गया है ये। ये मैंने ऊपर को सपोर्ट इसका बांध रखा है। इधर मेरा गुल्हड़ का पेड़ भी बहुत अच्छा हो गया। गुल्हड़ में क्या हो रहा था, चींटियाँ लग गई थी, जैसे फूल खिल रहे थे तो चींटियाँ लग गई थी बहुत। अब बहुत अच्छे अच्छे, देखिए जब ये खिलेगा मैं दिखाऊँगी, सब एक साथ फूल आ रहे हैं इसमें ये। और छोटे पौधों में मिर्चा आने लग गई है, और तुलसी भी मेरी, इधर भी तुलसी। मैंने एक तुलसी का गमला मैंने अपनी दीदी के लिए तैयार कर दिया है। ये मैं अभी राखी से पहले दीदी को गिफ्ट करके आऊँगी। ये मैंने आज 6-7 दिन हो गए इसको, मैंने दीदी से बोला था, दीदी मैंने एक गमला तेरे लिए तैयार कर रखा है, अब दीदी इसमें से जो भी ले जाएगी, बड़ा गमला ले जाएगी या छोटा गमला। और तो मित्रों, और क्या दिखाऊँ, फिर यही है। और मेरा पुदीना आज फिर कटेगा, पुदीना एक बार काट के मैंने सुखा के मम्मी के लिए भेज दिया, ये सारा सुखाया था वो मैंने मम्मी के पास भेज दिया। अभी फिर मैं इसको आज काटती हूँ, बढ़ गया है ये, इससे सुखाया। मिर्ची देखिए आप, एक ही पेड़ में कितने सारे मिर्ची मित्रों आ गए, छोटे से डब्बे में मैंने लगा रखा है। और इधर एक मिर्ची का पेड़ मित्रों, मेरा बहुत बड़ा पेड़ ख़राब हो गया था, वो मैंने फेंक दिया, बहुत दुख हुआ। और करी पत्ता भी मेरा बहुत पड़ गया अभी ये। तो बस ये बागवानी अभी, और हम पहाड़ों में घुतियार गुनी, घुतियार लीजिए, मैं पिनावली तैयार है गई, तुम देखो यो पिनावली उदिन ओग दिनी बोलने। और ये है, बस यही चल रहा है अभी दिन भर का काम। गया मेरा पुदीना भी, आज धूप का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। ये पुदीना सारा अभी सूख जाएगा, उसके बाद इसका पाउडर बहुत अच्छा होता है, आप नमकीन बनाओ उसमें डालो, किसी भी चीज़ में पुदीने का पानी आप पीजिए, पुदीने का पाउडर हर काम आता है, ये बहुत अच्छा होता है। पुदीना चटनी बनाइए आप, हरे पुदीने की तो चटनी बनाइए, सूखा पुदीना भी आप भांग की अमचूर की चटनी में डाल सकते हैं। अब फिर आज फिर अभी चक्की शुरू हुई है, आज दिन भर का काम मेरा, छत में ही हूँ दिन भर ये। अब ये गेहूँ लग रहा है कि गेहूँ पिसनी है, चक्की चल रहा है। अब थोड़ी देर में मैं पीसती हूँ फिर चावल, और चने अभी सूखे नहीं हैं, चने 2-3 दिन सुखाने पड़ते। चावल मैंने पहले भी सुखाए थे, अभी आधी चक्की हो गई है, एक बार में 10 किलो पीस ही लेता है ये। इसलिए मैं तो गरीब, सभी लोग घर में आजकल बरसात के दिनों में आप घर में चक्की लाइए और बढ़िया इसी में पीस लीजिए मित्रों। ये भैर बैल आए, मौसम साफ रहो का मिल लगे हेली भैर बैल, बढ़िया पीसी जाओ हो आटियो, ताज़ा घर का आटा खाओ, गेहूँ लाओ, धुलाई करके सुखा दो, सुखा के घर में ही पीस लो, जितनी ज़रूरत है उतने उसी मिनट हम दरम धरी रखो इतनी हो। अब यो ए महन बेटी मेरा बर्था चल रहा थी, अब यो आटा 1 महीने में 5 किलो 1 महीना चला, ये ईजा और जोशी जी खाने वाले थे। आप देखो मेरे को हाथ मन को देखा दे, जो नई लोग मेरे साथ जुड़ रही है वो लोग मेरी चक्की को देख लीजिए, घर में ही गेहूँ पीसने का बढ़िया। अभी मैं ये गेहूँ डालते थे मैं तो दिखाया नहीं आपको,
क्योंकि पहले भी मैंने वीडियो डाला ही है। आज दिन भर जो काम हो रहा है उसी के साथ साथ मैंने इसको भी जोड़ लिया, अभी एक मिनट फुर्सत नहीं है मित्रों दिन भर। ये देखो पुदीना ले सूखी गोय उबा उधू देखना से आवे मुट्ठी ले नहीं हो भो सूख भी भला पाउडर बढ़ोन फिर आए भोले घाम आल फूले सुखा ली उन्हें। मैं यही दिन भर काम है मैं लगी रहूँ तो बस मन प्रसन्न रहता है। देखा एक गाना ले सुन आ मैं आप मम्मी देखा बात है वो वाल गाना ले तो मुख सुनून मैं पहाड़ी रानी खेत बोराणी वाल सुनून। अब इसके अंदर ये बॉक्स मैंने कर दिया है पीटीए, जैसे पहले तो मैंने पीटीए इसका डाल का, जो लोग अभी नए देख रहे हैं ना जी, जी, ये ड्रम है ये, हाँ ये ड्रम है, ये ड्रम मैंने इसके अंदर डाल दिया है ये ऊपर से पीछे को अंदर, हाँ ये ड्रम चला गया, ये बिल्कुल फिट करना है यहाँ पर ये, ताकि कहीं इधर उधर, हाँ इधर उधर ना हो। अब ये दरवाजा बंद कर दिया, ये हो गया बंद हो गया है, आसान है, हाँ आसान है बिल्कुल। अब ये मैंने चना और चावल मिलके पीस दिया, ये मैंने चने आज के धोए वाले नहीं करे, पुराने रखे थे ना वो सुखा दिए अभी। अब ये चना और ये एक साथ हो गया, ये पकौड़ी बना दो बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ भी मतलब कोई भी चीज आप बना सकते। अब ये देखो वो आटा शुद्ध आटा भी हो गया, जैसे एकादशी अक्लमंद है ना जी जी, आजकल क्या कहते हैं एकादशी को लोग चावल, हम लोग क्या हम लोग चावल नहीं खाते हैं, तो इसलिए वो आटा मैंने शुद्ध आटा अलग पीस लिया। अब ये चना चावल एक साथ कर दिया, अब इसको अभी फिर मैं मशीन चला दूंगी, ये फटाफट शुरू हो गई मशीन, ये कोई इसमें परेशानी नहीं है, फटाफट हो जाता है। ये मैंने पहले भी इसका वीडियो बनाया था ना, अभी फिर दोबारा से मैंने ये बता दिया कि इस तरह से पीसो, आप भी देख लीजिएगा ले आइएगा ना। हाँ इसमें क्या है घर का ताजा देख, हाँ, नहीं मिक्सी से भी अच्छा, मिक्सी में तो आप एक एक किलो आधा किलो पीस पाएंगे ना, आप देखो ये दस भी गर्म हो जाए, फिर गर्म हो जाए 10 किलो पीस गया, इतना बढ़िया ताजा आटा ना, तो ये सबसे अच्छा है ये घर के लिए घरेलू आटा चक्की ना, नुकसान भी नहीं, कोई नुकसान नहीं है। देखिए आप बढ़िया करके ये लगाते रहो, तुम अपना काम करते रहो, इसको लगा के छोड़ दो कोई टेंशन नहीं, बस ये अब देखो ये फटाफट पीस जाएगा, ये अब ये पीसने लग गया, ये पिसता रहेगा, हाँ पिसता रहेगा, मैं अपना काम करते रहूँगी। अब ये उसे जैसे नीचे उसमें रुक गया था वो थोड़ा सा उसको ले लेगा, फिर उसके बाद फटाफट पिसने लग जाएगा, हाँ धीरे धीरे मतलब जाता है। गरम हो गई है और बहुत ज़्यादा महीनी से मैदा जैसा बन गया, तो हमें मैदा नहीं बनाना है, थोड़ा सा इससे ज़्यादा मोटा करना, तो इसको नीचे रख दिया। अब लगा दी दूसरी ब्लेड मैंने, दो नंबर की ब्लेड लगा दी, हाँ ये दो नंबर की लगा दी, इसके अंदर डाल दी, हाँ बस ये अब इसके अंदर इसको लॉक कर दिया, हाँ ये बस एक बार आप देख लेते हैं इसको, उसके बाद बहुत ही अच्छा आपको हर चीज़ कोई चीज़ की इसके अंदर ये। अब ये डब्बा मैंने पहले भी फिट कर दिया था, अभी फिर कर दिया, ये देखो अब ये खोला, कोई टेंशन ही नहीं, बस फटाफट ये देखिए अब कितनी आवाज़ करने का, क्योंकि उसको मोटी ब्लेड मिल गई ना, ये देखिए अब फटाफट 5 मिनट में पीस जाएगा, ये सबसे अच्छा है ये।